हे एवरीवन, सो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी। हेयर आई एम यूजिंग क्लम का मॉइस्चराइजर। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है जिनका फेस बहुत ही ज़्यादा विंटर में ड्राई होता है, वो ये मॉइस्चराइजर को ज़रूर यूज़ करें। मेकअप करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, अपने फेस को अच्छे से प्रेप करना। अगर आप ये स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं देन आपकी मेकअप ज़रूर फ्लॉलेस दिखेंगी। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों एक साथ ही, बिकॉज मुझे फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप का लेयरिंग नहीं करना है। सो आई एम डॉटिंग इट ऑल ओवर ऑन माई फेस। देन मैं कंसीलर को अपने अंडर आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी। जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा मेकअप का लेयरिंग नहीं करना है, बिकॉज ब्राइड्समेड हल्दी मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे ब्राइड नहीं दिखते हैं ऑब्वियसली। एंड अभी एक मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो अब आप कोई भी येलो आई शेडो यूज़ कर सकते हो। किसी भी पैलेट में अगर येलो आई शेडो अवेलेबल हो तो आपको इसे पूरे आईज में अप्लाई करना है। देन एक गोल्डन शिमर आई शेडो आपको लेना है एंड आपको आईज पर इसे इस तरह से लगाना है। देन इसे ब्लेंड करना है। ये एक बहुत ही ईजी मेकअप लुक है, आप सभी इसे ट्राई कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग मेबलिन आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। वेरी प्रिटी आई मेकअप लुक इन जस्ट 3 स्टेप्स। अब मैं अपने आईलैश को कर्ल करूंगी। Maybelline Clausel Mascara, one of my favorite mascara. Then inside is HD Concealer Palette. इस पैलेट का एक बेनिफिट है, इसमें आपको एक ही साथ कंसीलर, कलर करेक्टर और कॉन्टूर भी मिलता है। बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत सारा मेकअप नहीं कैरी करना पड़ेगा। For blush, I am using All About My Lips palette. 10 shades में आपको मिल जाता है। And अपने मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए My Glam का कॉम्पैक्ट। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बहुत ही ईजी मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है फॉर ब्राइडमेड्स हेल्दी मेकअप लुक। आप सब लोग इसे ट्राई कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगेन द सेम पैलेट। If you haven't subscribed to my channel, then please do subscribe to my channel and comment करके जरूर बताएं आपको ये मेकअप लुक